Hi, this is Dr. Kavita Chauhan. I'm an educationist with 20 years of teaching experience and I'm the founder of Prerna Coaching Academy. This video is part of my series in which I take up the concepts related to class and social science. Hello children, today I start with Nationalism in India Part 2. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. So children, the first slide says Salt Satyagraha. आप सब सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में जानते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का. दिस वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी एंड अलॉन्ग विद हिज 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स ही स्टार्टेड दिस मार्च. द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी. द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे एंड ऑन 6th अप्रैल ही रीच्ड दांडी एंड सेरिमोनियली वायलेटेड द लॉ. This marked the beginning of civil disobedience movement. कई बार वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, which event marked the beginning of civil disobedience movement? And then you have to write the answer for this, that the salt satyagraha or the salt march marked the beginning of civil disobedience movement. What was British government's response to civil disobedience? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट समय समय पर कुछ ऐसे एक्शन लेती थी फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ या जो मूवमेंट चलती रहती थी. उसमें से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया. दे अरेस्टेड इंडियन लीडर्स वन बाय वन. अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930. देयर हैपेंड क्लैशेस बिटवीन पीपल एंड पुलिस. बहुत सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारे लोग मारे गए और एक महीने के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया 1930 में, जब उन्होंने दांडी मार्च किया था उसके बाद. और जो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट को अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक किया. And to repress them, the government also followed a brutal policy. जगह जगह पे जहाँ peaceful सत्याग्रही थे उन पे भी attack किया गया और बच्चों को मारा गया. So seeing this all, Mahatma Gandhi once again decided to call up the movement. बेटे यहाँ पे भी एक और question आता है कि why did Mahatma Gandhi decided to call up the civil disobedience movement? So you can write all these points related to this question. Next is Gandhi-Irwin Pact. अगेन इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है. राइट अ नोट ऑन गांधी इरविन पैक्ट. इट वॉज साइंड इन फिफ्थ मार्च 1931. क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो महात्मा गांधी को समय समय पर या तो कोई मीटिंग करने के लिए बोलते थे या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बोलते थे और कई बार महात्मा गांधी तैयार नहीं होते थे इस चीज़ के लिए. लेकिन अभी उनको लगा कि शायद उनको इसको एक्सेप्ट करना होगा एंड ही एंटर्ड इन टू अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5th March 1931. According to this, Gandhiji agreed to participate in a roundtable conference and the government agreed to release the political prisoners. Gandhiji went to London to attend the roundtable conference, but the negotiations broke down and he returned. जब वो वापस आए यहाँ पर तब तक इंडिया में पंडित नेहरू और गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जा चुका था and Congress was declared as illegal. So अब महात्मा गांधी ने दोबारा से सोचा कि उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च करना होगा. जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से लॉन्च हुई तो सब सोशल ग्रुप्स ने इसको अलग अलग नज़रिए से देखा. रिच पेजेंट्स जो थे उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस का क्या मूवमेंट था, इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है. हाउ डिड रिच पेजेंट्स सी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दे वर हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस एंड एज देयर इनकम डिसअपीयर्ड दे फाउंड इट हार्ड टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड. क्या था कि उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना होता था और क्योंकि ट्रेड डिप्रेशन था तो उसकी वजह से मतलब ट्रेड जो था वो काफ़ी उसमें गिरावट आ गई थी, कम हो गया था और जिसकी वजह से वो रेवेन्यू देने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे. तो उन्होंने डिमांड की कि रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया. सो दे ऑल्सो बिकेम सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड दे पार्टिसिपेटेड इन बायकॉट प्रोग्राम्स. हाउ डिड पुअर पेजेंट्री सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अगेन 3 मार्कर क्वेश्चन और इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क तो नहीं आते, वैसे 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 में आ सकता है. मेनी ऑफ देम वर टेनेंट्स कल्टीवेटिंग लैंड. मतलब ये लोग क्या करते थे, लैंडलॉर्ड से रेंट पे ले लेते थे लैंड और फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था इस रेंट को पे करना क्योंकि डिप्रेशन हो जाता था. तो दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड. वो चाहते थे कि ये अनपेड रेंट जो है वो खत्म कर दिया जाए और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे रेडिकल प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया. लेकिन कांग्रेस जो थी वो इतनी खुश नहीं थी उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट करके क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं कि उनकी डिमांड को अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो रिच पेजेंट्स कांग्रेस से नाराज हो सकते थे. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पेजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन.
हाउ डिड द बिजनेस क्लास सी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जो व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको क्या कैसे मिलता था, उनको कैसे वो पावरफुल बने थे, उनको प्रॉफिट होता था ट्रेड में, तो उन्होंने मतलब वो चाहते थे उनका बिजनेस फैले, और तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज बार बार बनाती थी पॉलिसीज जिनकी वजह से उनका बिजनेस रिस्ट्रिक्ट होता था, तो वो उन्हें पसंद नहीं था और वो चाहते थे कि ये जो फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट होता है उसके खिलाफ उनको प्रोटेक्शन मिले, और इसीलिए उन्होंने अपनी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस फॉर्म की 1920 में, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कांग्रेस इन इंडस्ट्रीज इन 1927। तो यहाँ पे बेटे 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेम द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम भी पूछे जा सकते हैं, विच यू कैन सी थ्रू ऑन द स्क्रीन। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंस। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस के काफी नजदीक थे, तो इसलिए वर्कर्स जो थे वो दूर दूर थे, लेकिन कुछ वर्कर्स ने गांधीयन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया था। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया था, लो वेजेस के खिलाफ रिवोल्ट किया था, और जो पुअर वर्किंग कंडीशंस थे उनके अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। उन्होंने स्ट्राइक्स की, जैसे कि रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक हुई छोटा नागपुर में। अब बेटे यहाँ से एक 1 मार्क का मैप क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेलवे स्ट्राइक का जो प्लेस है वो मार्क करो न्यूज इसमें या आइडेंटिफाई करो मैप में। लेकिन कांग्रेस जो थी, अगेन इट वॉज अनविलिंग टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड बिकॉज इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। यहाँ से भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वॉज द कांग्रेस अनविलिंग टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। बच्चों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का, और बहुत बार पूछा भी गया है कि औरतों का क्या योगदान रहा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। ये पॉइंट्स यहाँ से ऐसे कैसे आप नोट कर सकते हो और लिख सकते हो। गांधी जी ने जब सॉल्ट मार्च शुरू किया तो हजारों की मात्रा में औरतें अपने घरों से निकल के बाहर आई उन्हें सुनने के लिए, और उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लिया, सॉल्ट बना के रूल तोड़ा, और फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स को दे पिकेटेड देम आल्सो। बहुत सारी औरतें जेल भी गई, और महात्मा गांधी के कहने की वजह से दे स्टार्टेड सीइंग दिस सर्विस टू नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वेमेन। लेकिन हर मूवमेंट के बेटे कुछ लिमिट्स होती हैं, सो सिविल डिसोबीडियंस की भी कुछ लिमिट्स थी। यहाँ से अगेन एक क्वेश्चन बनता है, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, द दलित्स फेल्ट एलिनेटेड। दलित्स जो थे वो काफी दूर दूर रहे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत समय तक उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया था, क्योंकि उनको लगता था कि जो कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज हैं वो इस बात से नाराज हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अनटचेबिलिटी को अबॉलिश न किया जाए। जो कुछ और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, जैसे कि मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के प्रति ज्यादा एक्टिव नहीं थी, क्योंकि कम्युनिटीज के बीच में काफी एक दूसरे के प्रति शक था। हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगेन एन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली हियर बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑल दीज 3 पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक, and this becomes a very good answer. Now, what was the relation between Congress and Muslim League? Muslim League क्या थी? Muslim League एक political organization थी जो Muslims के interest को protect और promote करने के लिए form की गई थी। Muhammad Ali Jinnah एक इसके एक बहुत ही important one of the founder also he was and he was an important leader. तो Congress और Muslim League के बीच में उन्होंने काफी कोशिश की कि वो एक alliance form करें, और जो उनके बीच में differences थे वो किस चीज पे थे, उनके इस पे थे रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज की, भाई कौन कौन इलेक्ट होगा, किस कम्युनिटी के कितने लोग होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार थे अगर उन्हें रिजर्व सीट्स मिले सेंट्रल असेंबली में। सेपरेट इलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके अकॉर्डिंग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थे वो अपनी ही कम्युनिटी के लीडर्स को इलेक्ट कर सकते थे। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का। कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आनी बहुत जरूरी थी कि ताकि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके। इसके लिए काफी एफर्ट्स किए गए और स्टेप्स उठाए गए, ये आप स्लाइड में देख सकते हो कि कल्चरल प्रोसेसेस ने कैसे नेशनलिज्म को शेप किया और कैसे इंडियन फोकलोर को रिवाइव करके आर्टिस्ट्स ने, पोएट्स ने, राइटर्स ने, कैसे उन्होंने लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को जनरेट किया, और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने जो जो स्टेप उठाए वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हो। कैसे वंदे मातरम कंपोज हुआ, कैसे भारत माता की एक इमेज बनाई गई, और कैसे वो भारत माता की इमेज बार मतलब धीरे धीरे इवॉल्व हुई,
नेशनल जो थे उन्होंने कैसे फोक टेल्स को गाना शुरू किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया, जो बार्ड्स होते थे लोकल सिंगर्स जो होते थे उसको करना शुरू किया, और गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग को डिजाइन भी किया। ये भारत माता की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos on class 10 social science. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. Thank you.